स्टेप्स अपने फेलियर पे काबू करने के लिए, अपनी हार को हराने के लिए, अपनी शिकस्त का मुकाबला करने के लिए। तीन स्टेप्स। कौन से तीन स्टेप्स, कैसे तीन स्टेप्स, क्यों काबू करें, किस तरह काबू करें? आसान है, कुछ स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, हमारा अपनी हार को जानना। कैसे जानना? एक अल्फाज तो है फेलियर, हार, शिकस्त और कुछ भी नहीं, तो कैसे इसे बाउंस बैक करें? दूसरा स्टेप, बाउंस बैक कि हम अपने काम को जारी रखें, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी लगन को जारी रखें, अपने काम को करते रहें। कैसे मुमकिन हो सकता है? दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि ये एक डर है और डरते तो हम किसी से नहीं, तो फिर क्यों हम फेलियर को, अपनी शिकस्त को, अपनी हार को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में, अपने वजूद में समेटते हैं, बसाते हैं? जितना हम डर पे, जितना हम डर को, जितना हम डर से डरते हैं, उतना डर हमें होल्ड रहता है, क्योंकि डर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा खतरनाक जानलेवा एहसास है जो नजर नहीं आता लेकिन वो जानलेवा है। कैसे जानलेवा है? दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि हम इस डर को कैसे निकालें, इस डर से कैसे आजादी हासिल करें। सर, इस डर से आजादी हासिल करने के लिए हमें अपने डर को हराना होगा। डर को कैसे हरा सकते हैं? डर क्या है? डर कुछ भी नहीं है, डर यह है कि हमारा जिससे डर लगे, जिस काम से डर लगे, जिस एक्टिविटी से डर लगे, जो हमारी हैबिट हो, जो भी हमारा नेचर हो, हमारी फीलिंग हो, हमारे एहसास हो, जिससे हमें डर लगे, हम उसका मुकाबला करें। डर का एक ही सिंपल सा रूल है कि डर से मुकाबला करें। तो डर से मुकाबला तो कर लिया, दूसरा स्टेप भी पास हो गया। तीसरा स्टेप कि कैसे हम अपने फेलियर से बाउंस बैक करें। डर से मुकाबला करना तो आसान है, लेकिन तीसरा स्टेप आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि हमारा बाउंस बैक कैसे करना, अपने काम को कैसे जारी रखना, ये हम तीसरे स्टेप में बात करेंगे। बाउंस बैक करना ऐसे है कि हमारा फेलियर को, अपने डर को निकाल देना और फिर हमारा अपने जहन, अपने वजूद, अपने दिलो दिमाग को उस काम पे फोकस कराना। कैसे हो सकता है? कैसे हम फोकस कर सकते हैं? फोकस करने के लिए हमारे पास तीसरे स्टेप में ये इंफॉर्मेशन है कि फोकस एक ही तरीके से हो सकता है कि हमारा उस काम को जानना, उस काम को बार बार करना, उस काम को तब तक करना जब तक आने ना लग जाए, उस काम की प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इसी तरह आसानी हम अपने फेलियर पे काबू कर सकते हैं, अपने फेलियर, अपनी हार, अपनी शिकस्त को हरा सकते हैं। और जब हम इसको हरा देंगे तो आसानी हम इस डर से, इस एक जंजल से आजाद हो जाएंगे, और ये आजादी हमारी जीत होगी।